हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे 2014 में रिलीज़ किया गया था और इस मूवी का नाम है फ्लावर्स इन द एटिक। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक फैमिली को देखते हैं। ये सारे लोग बहुत खुश हैं। इस परिवार की लेडी का नाम कॉरिन है और उसके पति का नाम क्रिस्टोफर है। इनके चार बच्चे हैं। इनमें से बड़े बेटे का नाम क्रिस है और बेटी का नाम कैथी है। इन लोगों से दो छोटे ट्विंस और हैं। जब क्रिस्टोफर अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है, उस वक्त कैथी को ये पता चलता है कि उसके फादर का प्रमोशन हुआ है। ये बात जानकर कैथी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसके फादर अब और भी बिजी हो जाएंगे। इसलिए वो अपने रूम में आकर रोने लगती है, क्योंकि वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन अपने प्रमोशन के बाद उसके डैड और भी बिजी हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें कैथी के साथ खेलने का टाइम नहीं मिलेगा। क्रिस्टोफर कैथी को समझाता है, उसे कई सालों के बाद प्रमोशन मिली है और उसकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद वो कैथी को एक रिंग देता है जो कि काफ़ी महंगी होती है, और वो कैथी से ये कहता है, तुम्हें मेरे जाने के बाद इस फैमिली को संभालना है। कैथी क्रिस्टोफर की बातों को सुनने के बाद हामी भरती है। अगले दिन इनके घर में ट्विंस का जन्मदिन होता है। इनके घर में एक पार्टी होती है, लेकिन इस पार्टी के बारे में क्रिस्टोफर को पता नहीं था, क्योंकि ये लोग उसे सरप्राइज देना चाहते थे। तभी कार की आवाज़ आती है और सारे लोग क्रिस्टोफर को सरप्राइज देने के लिए उस रूम में छुप जाते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं वहाँ क्रिस्टोफर नहीं है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया है। वो पुलिस ऑफिसर यहाँ आकर इन लोगों से कहता है, क्रिस्टोफर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब ये बात सारे फैमिली को पता चलती है, तब सारे लोग सदमे में आ जाते हैं। क्रिस्टोफर के मरने के बाद इस घर में कमाने वाला कोई नहीं होता है। कॉरिन उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, इसलिए वो अच्छी जॉब नहीं कर सकती थी। वहीं हम लोग कॉरिन को देखते हैं जो कि किसी को लेटर लिख रही होती है। कैथी जब ये सब देखती है तो उसे ये सब काफी अजीब लगता है। कॉरिन काफी सारे लेटर्स भेजती है। तभी एक दिन उसे अपने लेटर का जवाब आता है। वो उस लेटर को पढ़कर बहुत खुश होती है और वो सारे बच्चों को अपने नाना और नानी के बारे में बताती है, और वो अपने बच्चों से ये कहती है, हम लोग अब उन्हीं के घर में रहने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे नाना बहुत अमीर हैं। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आज तक कॉरिन ने उन्हें नाना और नानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो इन लोगों को समझाती है, हमारे पास पैसों की कमी है, इसलिए हमें उनके पास जाना चाहिए। कैथी वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो क्रिस के कहने पर साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ जाने के लिए ट्रेन लेते हैं। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर उन्हें जाना था, इसलिए ये लोग स्टेशन से पैदल ही जाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग अपने नाना और नानी के घर पहुंच जाते हैं। घर पर हमें कॉलिन की मॉम, जिसका नाम एरिन है, वो दिखाई देती है। वो इन लोगों को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती है। वो इन लोगों से कहती है, तुम लोग यहाँ ज्यादा शोर मत मचाना। इसके बाद वो इन लोगों को एक रूम में लेकर जाती है। उसके बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉलिन के बच्चों को पसंद नहीं करती है। उनकी बातों को सुनकर बच्चों को ये पता चलता है, उनके मॉम ने उनके नाना को यहाँ आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। कॉरिन इन लोगों से कहती है, सालों पहले मैंने एक गलती की थी जिसके वजह से मेरे फादर ने मुझे जायदाद से निकाल दिया था, लेकिन अब हमारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमें उनका भरोसा जीतना होगा और अब मैं उन्हें तुम सबके बारे में बताऊंगी। तभी एलन को कैथी के हाथों में एक रिंग दिखती है जिसे उसके फादर क्रिस्टोफर ने उसे दिया था, लेकिन एलन उस रिंग को कैथी से छीन लेती है, क्योंकि एलन क्रिस्टोफर को पसंद नहीं करती थी। इसके अगले दिन हम लोग एलन को देखते हैं जो कि सारे बच्चों के लिए खाना लेकर आती है, और वो इन लोगों को यहाँ शोर करने से मना करती है ताकि घर में काम करने वाले नौकरों को इनके बारे में पता ना चले। इनके भाई बहन बहुत छोटे थे, इसलिए एलिन उन्हें एटिक में खेलने के लिए कहती है, लेकिन जब ये लोग खेलने के लिए एटिक में जाते हैं तब ये जगह इन लोगों को जरा भी पसंद नहीं आती है। अगले दिन ये लोग एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, जिससे काफी ज्यादा शोर होती है। तभी वहाँ पर एलिन गुस्से में आती है और अब वो इन्हें सजा देना चाहती थी, लेकिन इन बच्चों के बजाय वो कॉरिन को सजा देती है, और वो कॉरिन को बहुत मारती है, और वो इन लोगों को कॉरिन के चोट के निशान दिखाती है ताकि बच्चे आगे से ऐसी गलती ना करें। अगले दिन जब कॉरिन बच्चों के पास आती है, तब कैथी उससे पूछती है, एलिन हमारे डैड से इतनी नफरत क्यों करती है। कॉरिन इन्हें बताती है, एक दिन उसके डैड एक लड़के को घर लेकर आते हैं, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स मर चुके थे और डैड उसका देखभाल करना चाहते थे, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था। जब मैं छोटी थी तब मैं तुम्हारे डैड के साथ टाइम स्पेंड करती थी। ये देखकर उसकी मॉम बहुत गुस्सा होती थी। धीरे धीरे कॉरिन को क्रिस्टोफर से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लोग जानते थे उनके घर वाले इस रिश्ते को नहीं समझेंगे, इसलिए इन लोगों ने भागकर शादी कर ली, और इसी वजह से कॉरिन के माँ बाप क्रिस्टोफर को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। ये सुनकर बच्चे बहुत हैरान होते हैं, लेकिन क्रिस अपने मॉम का सपोर्ट करता है और वो अपनी मॉम से बोलता है, आप सब कुछ एक दिन ठीक कर दोगी। अगले सीन में हम लोग कैथी को देखते हैं जो कि एक कैलेंडर बना रही होती है। अब इन लोगों को यहाँ एक हफ्ता हो चुका था और कॉरिन एक हफ्ते से इन लोगों से मिलने नहीं आई है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कॉरिन को गए हुए एक महीने गुजर जाते हैं। एक महीने के बाद कॉरिन अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है। इतने दिनों के बाद जब कैथी अपनी मॉम को देखती है, तब वो उनसे पूछती है, तुम नाना को हमारे बारे में कब बताने वाली हो। कैथी बार बार कॉरिन से ये पूछती है, तब कॉरिन परेशान होकर उसे ये बोलती है,
मैं तुम लोगों के बारे में डैड को कभी भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर डैड को ये बात पता चल जाती है कि मेरे कई बच्चे हैं, तब वो मुझे घर से निकाल देंगे। जब कैथी और क्रिस ये सुनते हैं तब वो लोग बहुत शौक होते हैं। इसके बाद कॉरिन यहाँ से चली जाती है। इन लोगों के यहाँ कई महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे क्रिसमस का वक्त आ जाता है। इसके बाद कैथी क्रिस से ये कहती है, अगर हम एलिन को एक ब्यूटीफुल क्रिसमस कार्ड बनाकर देते हैं तब वो शायद हमें यहाँ से आजाद कर देगी। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर एक अच्छा सा क्रिसमस कार्ड बनाने लगते हैं, लेकिन उस कार्ड को देखकर एलिन कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और उस कार्ड को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगता है। कुछ वक्त बाद कॉरिन फिर से इन लोगों से मिलने के लिए यहाँ आती है। वो यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी। तभी वो क्रिस और कैथी को ये बताती है कि उसके पेरेंट्स आज क्रिसमस की पार्टी दे रहे हैं। कैथी यहाँ पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन कॉरिन उसे मना करती है। लेकिन कैथी बार बार वहाँ जाने की जिद करती है। आखिरकार कॉरिन को उसकी बात माननी पड़ती है और उसे भी ऐसा लगता है जैसे बच्चे काफी समय से बाहर नहीं गए हैं। इसके बाद रात में कॉरिन उन दोनों को एक टेबल में छुपा देती है ताकि ये दोनों रात की पार्टी एंजॉय कर सके। तभी पार्टी में कॉरिन के डैड आते हैं। उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। इधर कैथी और क्रिस पार्टी के बाद जब अपने रूम में जा रहे होते हैं तभी वो कॉरिन को किसी आदमी के साथ देखते हैं। कॉरिन और वो आदमी एक दूसरे के काफी करीब थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कॉरिन उस आदमी से प्यार करती है। इसके बाद कैथी रूम में आती है, लेकिन क्रिस इस घर में इधर उधर घूमने लगता है। थोड़ी ही देर में कॉरिन को ये बात पता चल जाती है कि क्रिस यहाँ नहीं है और क्रिस कहीं बाहर घूम रहा है। ये जानकर कॉरिन बहुत गुस्सा होती है। गुस्से में वो क्रिस को एक चाटा मारती है। वहीं अगले दिन जब क्रिस एक एडल्ट बुक पढ़ रहा होता है तभी कैथी वहाँ आती है और उसे ये बुक पढ़ते हुए देख लेती है। ये बात वो अपनी मॉम कॉरिन को बता देती है। कॉरिन कैथी को समझाती है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके बॉडी में फिजिकल और केमिकल चेंजेस आने लगते हैं। इसके बाद कॉरिन कैथी को एक ड्रेस देती है। जब कैथी इस ड्रेस को पहन रही होती है तभी क्रिस वहाँ आता है और वो कैथी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन उसी वक्त एलेन भी वहाँ आ जाती है और इन दोनों के एक जगह पर देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के माँ बाप की तरह ही इन दोनों में भी कुछ चल रहा है। इसलिए वो अब कैथी को सजा देना चाहती है और वो कैथी के बालों को काटना चाहती है, लेकिन क्रिस उसे रोकता है। एलेन क्रिस से कहती है, अगर तुमने कैथी के बाल नहीं काटे तब वो एक हफ्ते तक इन लोगों को खाना नहीं देगी। लेकिन क्रिस कैथी के बाल नहीं काटता है। इसके बाद वो कई दिनों तक इन लोगों को खाना नहीं देती है, लेकिन एक रात उसे बच्चों पर दया आ जाती है और वो कुछ फल लेकर इन लोगों के पास आती है। जब ये लोग खाना खाकर सो जाते हैं तब वो कैथी के बालों में टार लगा देती है। इसके बाद क्रिस को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। इस दौरान कैथी काफी इमोशनल हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग रस्सी के सहारे उसी रात नीचे आते हैं और नीचे आकर वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ से नीचे आने के बाद इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं। अगले दिन कॉरिन इन लोगों से मिलने के लिए आती है और वो बच्चों को ये बताती है कि उसने शादी कर ली है। ये जानकर क्रिस को कॉरिन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है, हम लोगों की हालत एक साल से बहुत खराब है और तुम बाहर जाकर शादी कर रही हो। लेकिन कॉरिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन हम लोग एलेन को देखते हैं। वो बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर आती है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तभी क्रिस एलेन के पास जाता है और बहुत ही चालाकी से अपने रूम की चाबी का छाप साबुन पर ले लेता है। अब ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे। इसके बाद ये लोग सोचते हैं वो लोग चुपके से घर में जाएंगे और कुछ पैसे चुराएंगे। जब उनके पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे तब वो लोग यहाँ से भागने की सोचेंगे। क्रिस अब उस रूम की डुप्लीकेट चाबी बना लेता है। इधर क्रिस और कैथी जब कॉरिन के रूम से पैसे चोरी कर रहे थे तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन उन जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद कॉरिन उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ वक्त बाद कॉरिन वापस आकर इन लोगों को बताती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था और जिसके कारण उसकी मौत हो गई और मैंने उसे दफना दिया। कॉरिन दफनाने की बात इन बच्चों से इसलिए कहती है ताकि ये लोग उसे देखने की जिद ना करें। ये सुनने के बाद ये तीनों बच्चे कॉरिन से बहुत नफरत करने लगते हैं। अब क्रिस और कैथी उसी रात को भागने की सोचते हैं। इसके बाद ये लोग एक बार फिर से उस रूम से निकलते हैं और घर में पैसे चुराने के लिए जाते हैं। लेकिन क्रिस को नौकरों से एक बात पता चलती है कि कॉरिन के डैड को मरे हुए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कॉरिन ने अब तक बच्चों को इसके बारे में नहीं बताया है। ये खबर सुनते ही जब क्रिस अपने रूम में जा रहा होता है तभी वो एलिन को देखता है। जब वो यहाँ से वापस जाने लगता है तब एलिन भी उसे देख लेती है। जब क्रिस रूम में आता है तब वो देखता है इन लोगों का पालतू चूहा उस खाने को खाकर मर गया है जिस खाने को एलिन लेकर आई थी। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि एलिन उनके खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर देती थी ताकि वो इन बच्चों को मार दे और इनके भाई की भी जान उसी खाने को खाकर गई है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी एलिन वहाँ आ जाती है और वो क्रिस से चाबी मांगने लगती है, लेकिन क्रिस एलिन को वो चाबी नहीं देता है और वो कैथी को एटिक में जाने के लिए कहता है। एलिन भी इन लोगों के पीछे आने लगती है। तभी क्रिस एटिक का दरवाजा बंद कर देता है और सारे लाइट्स को ऑफ कर देता है क्योंकि वो ये बात जानता था कि एलिन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसका फायदा उठाते ही वे सारे लोग एटिक की तरफ जाने लगते हैं।
तभी एलन डर से इन लोगों को बताती है कि उस खाने में जहर डालने का आइडिया मेरा नहीं था, बल्कि ये आइडिया तुम्हारी माँ कॉरिन का था। ये सुनकर कैथी और क्रिस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी माँ से पहले ही बहुत नफरत करते थे, इसलिए उन्हें अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे करके ये लोग नीचे उतर जाते हैं। तभी एक आदमी इन लोगों की तरफ गन पॉइंट कर देता है और इन लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन जब कैथी उस आदमी को सच्चाई बताती है कि वो लोग कॉरिन के बच्चे हैं और कॉरिन उनकी माँ है, तब वो आदमी सब कुछ समझ जाता है और इन लोगों को यहाँ से जाने देता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।